नमस्कार, सिटी तहलका न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नवीन कुमार। और इस वक्त की ये बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, पानीपत के खादी आश्रम के आसपास की ये तस्वीरें हैं जहां पर एक बड़ा सड़क हादसा सुबह सुबह देखने को मिला है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, पुलिस की जो टीमें हैं मौके पर है। सुबह सुबह एक कैंटर जो है वो बताया जा रहा है कि इन खंभों से टकरा जाता है, जिसमें एक साथ दो खंभे बिजली के जो टूटे हैं, जिसकी सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, जेसीबी मशीन मौके पर बुलाई गई है और इन खंभों को यहां से हटाया जा रहा है बीच रास्ते से, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, तमाम लोगों से अपील है कि इस वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करते रहे। लगातार पानीपत में सड़क हादसे देखने को मिल रहे हैं और देखिए एक बार फिर से ये बड़ा सड़क हादसा। पुलिस मौके पर पहुंची हुई है, लंबा जाम इस वक्त हाईवे पर लगा हुआ है। करीब सेक्टर 25 से लेकर बस स्टैंड तक जो है जाम इस वक्त लगा हुआ है हाईवे पर। कैंटर की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। देखिए, बिल्कुल बीच में ही ये बिजली का खंभा आप देख सकते हैं टूटा पड़ा है और एक और खंभा दूसरा। देखिए, ये देखिए, बिल्कुल पानीपत में लगातार सड़क हादसे देखने को मिल रहे हैं और आज फिर सुबह सुबह का एक हादसा बताया जा रहा है। देखिए, लंबा जाम इस वक्त लगा हुआ है हाईवे पर, सेक्टर 25 से लेकर बस स्टैंड तक जाम की जो है वो बना हुआ है। और जेसीबी मशीन जो है मौके पर बुलाई गई है, खंभे को बीच रास्ते से उठाया जा रहा है हाईवे पर। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं, कैंटर की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। देखिए, सुबह सुबह पानीपत में ये एक बड़ा हादसा देखने को मिला है। हालांकि अभी तक जानकारी ये मिल रही है कि जो कैंटर है वो भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है, लेकिन इसमें कोई अभी तक कोई जानी नुकसान, कोई हताहत नहीं बताया जा रहा है। देखिए, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जेसीबी मशीन मौके पर बुलाई गई है और खंभे को बीच रास्ते से हटाया जा रहा है। एक बड़ा सड़क हादसा सुबह सुबह पानीपत में देखने को मिला है। जाम पानीपत में इस वक्त लगा हुआ है और दूसरे तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। देखिए, खंभे के टुकड़ों को पुलिस के कर्मी है वो उठाते नजर आ रहे हैं। देखिए, बीच रास्ते से खंभे को हटाया गया है और अब तस्वीरें देख सकते हैं कि जो जाम में जो गाड़ियाँ फंसी हुई थी वो धीरे धीरे निकलनी शुरू हो चुकी है। जानने का प्रयास करेंगे, ऋषि पाल जी हमारे साथ है। सर, क्या कुछ जानकारी मिली थी, क्या कुछ हुआ था? सर, ये आधा घंटा पहले जानकारी मिली थी, जीटी रोड पर मिल्क पंप के पास एक खंभा ट्रांसफार्मर पड़ा हुआ है, वो रास्ता ब्लॉक हो गया है। सूचना पाकर मौका पहुंचे, जो वहाँ से वो परलाना इधर चंडीगढ़ से दिल्ली तरफ के आयसर कैंटर था, उसका वहाँ लगने से परली तरफ लगने से तो उसकी तारें छिड़ने से ये भी पड़ गया और जाम खुलवा गया है और जीटी रोड खुल गया। उसकी आयसर कैंटर है जो उसकी वहाँ खम्भम लगी है। खम्भम लगने के बाद ये जो टावर अपना ट्रांसफार्मर है वो नीचे
क्योंकि तार खेलने से जी रोड के ऊपर पड़ गया। तो कोई नुकसान कोई नहीं? नुकसान नहीं कोई। टेंडर चालक को कोई नहीं? नहीं कोई नुकसान नहीं फिलहाल। कहाँ से कहाँ जा रहा था कैंट्री को? ये चंडीगढ़ से पता, चंडीगढ़ से दिल्ली जा रहा था। टेंडर चालक कहाँ था? वो अभी पता नहीं लगा, अभी मैं देख रहे क्या मामला वो देख रहे। अभी पुलिस देख रही है और लगातार देखिए जाम जो लगा हुआ था वो अब खुल चुका है। जो वाहन चालक है वो यहाँ से निकलना शुरू हो चुके हैं। लंबा जाम पानीपत में लगा हुआ था, पुलिस मौके पर पहुँची हुई थी और तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। देखिए कैंटर की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे एक बार। देखिए एक दूसरी साइड की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये यहाँ से ये बताया जा रहा है कि खंबे को जो है टक्कर लगती है जिसके बाद दोनों जो खंबे हैं वो टूट जाते हैं। एक ये साइड वाला और दूसरा परला पापली साइड वाला जो खंबा है वो भी टूटा हुआ है। वो उसकी तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। देखिए सुबह सुबह स्कूली बच्चे भी यहीं से फंसे हुए थे। देखिए अब क्योंकि पूरा जो खंबा है वो टूटकर बीच हाईवे पर आ चुका था और अब खंबे को कंटर की भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। देखिए थाना चांदीबाग पुलिस जो है वो मौके पर पहुंची हुई है। डायल 112 की जो पुलिस टीम है वो मौके पर पहुंची हुई है। देख सकते हैं बड़ा सड़क हादसा देखने को मिला है। सुबह से ही काफ़ी समय से जाम की स्थिति बनी हुई थी हाईवे पर और अब खंबे को बीच रास्ते से जेसीबी मशीन की सहायता से उठवा दिया गया है और अब जो वाहन है वो सुचारू रूप से चलना शुरू हो चुके हैं, जिसकी सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए कैंटर की तस्वीरें भी एक बार दिखाने का प्रयास करेंगे। देखिए लंबा शाम लगा हुआ था और अब धीरे धीरे अगली की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। ये अब ये हाईवे की अब ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए कैंटर की ये तस्वीरें हैं, जो आगे का हिस्सा है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। आगे का हिस्सा देखिए पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है, शीशा पूरी तरह से टूट चुका है और दिल्ली नंबर ये सेंटर है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि बताया जा रहा है कि जो इसका चालक है वो मौके से फरार बताया जा रहा है। पुलिस लगातार जांच कर रही है। तक कोई जानी नुकसान इसमें नहीं हुआ, गनीमत ये रही कि लेकिन वाहन चालकों को काफ़ी दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ा। देखिए यहाँ से दोनों ओर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये खंबा है ये भी पूरी तरह से चुका है और तस्वीरें
तमाम दर्शकों से अपील रहेगी कि इस खबर को जितना भी शेयर हो सके शेयर ज़रूर करें, क्योंकि लगातार पानीपत में सड़क हादसे देखने को मिल रहे हैं। लगातार आए दिन सड़क हादसों में लोग अपनी जानें भी गंवा रहे हैं। अभी एक दिन पहले ही हमने आपको दिखाया था कि जाटल रोड पर एक ट्रैक्टर जो है टक्कर लग जाती है बाइक सवार की सवार को, जिसके बाद बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो जाती है। और भी कई सड़क हादसे लगातार इस सप्ताह की बात करें तो कई सड़क हादसे सामने आ चुके हैं, कई लोग इसमें अपनी जान गंवा चुके हैं और आज फिर एक सड़क हादसा देखने को मिला है। पानीपत में खादी आश्रम के आसपास मलिक पेट्रोल पंप के पास ये हादसा हुआ है। पुलिस लगातार जांच कर रही है। तमाम दर्शकों से अपील है कि इस वीडियो को जितना भी शेयर हो सके शेयर ज़रूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।